तो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, सेक्शन 50C, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। जब भी आप लैंड, बिल्डिंग या दोनों सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना लिया जाएगा एज पर द इनकम टैक्स। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 50C। तो सेक्शन 56 क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अक्सर लोग इसमें घोटाला करते हैं और इनका और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मैच नहीं होता है। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, ज़रा सुन लो। सेक्शन 56, सेक्शन 56 बोलता है, जब भी आप लैंड, बिल्डिंग दोनों बेचोगे तो डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडर कैसे डिसाइड करेंगे, तो दो स्टेप में मैंने सॉल्व किया सिंपल। अभी प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा इससे संबंधित। पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू। पहले स्टेप नंबर वन करना, पहले उसका SDV डिसाइड करना। SDV मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैसे डिसाइड करना, उसमें भी दो होता है, एक एग्रीमेंट का डेट होता है, एक ट्रांसफर का डेट होता है। शुरू शुरू में हम एग्रीमेंट करते हैं, जब हमारा दो लोग ऑफर एक्सेप्टेंस होता है तो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी ले कि जिस दिन ट्रांसफ़र करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन ट्रांसफ़र करेंगे उस दिन का ले। तो ध्यान देना, अगर इफ़ द पार्ट कंसिडरेशन, जैसा 1 करोड़ का था, 10 लाख रुपये मैंने पहले ले लिया एग्रीमेंट के दिन ही, इफ़ द पार्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन और बिफोर, मिला क्या, अगर कुछ कंसिडरेशन ऑन और बिफोर डेट ऑफ द एग्रीमेंट मिल गया है, तो स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट वाला डेट लेने का, डेट ऑफ द एग्रीमेंट वाला स्टैम्प ड्यूटी लेने का। लेकिन अगर नहीं हुआ, नहीं लिया, पार्ट का ऑनर बिफोर नहीं रिसीव किया, इफ नो पार्ट कंसिडरेशन इज रिसीव ऑनर बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो स्टैम्प ड्यूटी डेट ऑफ द ट्रांसफर का लेने का। याद रहेगा, डेट ऑफ द एग्रीमेंट पहले होता है, डेट ऑफ ट्रांसफर उसके बाद होता है। तो एग्रीमेंट वाला कब लेते हैं, अगर कुछ पार्ट कंसिडरेशन रिसीव कर लिया तो एग्रीमेंट वाला डेट लेंगे, एग्रीमेंट के दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या था। लेकिन अगर पार्ट कंसिडरेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट नहीं दिया है आपने, तो डेट ऑफ द ट्रांसफर वाला लिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन था उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहता है। तो ये क्लियर हो गया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैसे डिसाइड करना है इसके बेस पे। एक बार स्टेप नंबर वन का आंसर आएगा तो नीचे आ जाओ। कभी कभी ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आप सेटिस्फाई नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते तो ध्यान देना, नीचे लिखो नॉट सेटिस्फाई विद SDV, तो एसिंग ऑफिसर मैटर रेफर कर देगा वैल्यूशन ऑफिसर के पास। सोचो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आया 200 और वैल्यूशन ऑफिसर बोलता है 220। बोला पागल है क्या, इतना ज़्यादा कैसे, तो बोलता है लॉ बोलता है वो आदमी के ऊपर जुल्म ना होना चाहिए, तो इसीलिए हम कम लेंगे, विच एवर इज लोअर लेना। तो लोअर कितना लेना, 200। स्टैम्प ड्यूटी SDV आया 200 और वैल्यूशन ऑफिसर बोलता है 180, तो 180 से बेचारा एक तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, तो विचार इस लोअर लेना है। दो ऑफिसर में झगड़ा होगा तो लोअर लेना है, ठीक है, दो ऑफिसर कॉन्ट्रोवर्सी मैटर है तो लोअर लेना है। तो SDV और वैल्यूएशन ऑफिसर हमेशा लोअर लेना है, क्लियर, ये अलग बॉक्स में लिखा। अब ज़रा ध्यान देना, एक बार SDV आ गया तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे डिसाइड करना है। अगर आपका SDV उस सेल कंसिडरेशन का 110% निकालो, सेल कंसिडरेशन का 110% और SDV से कंपेयर करो, अगर आंसर आता है यस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से भी ज़्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ द विनर। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू कंसिडरेशन पकड़ा जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं पकड़ने का, जितने का आपने सेल किया था वही कंसिडरेशन पकड़ने का, लैंड, बिल्डिंग या बोथ का। सर एग्जाम्पल करो ना, ओके अभी करते हैं। तो ये समझा, एक सिंपल ट्रिक आप याद रखो, हाँ ये नोट कर लो, मैं एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, स्टडी मैट में है, हट जाओ मैं थोड़ा सा, हाँ स्टडी मैट में क्वेश्चन है, जरा पढ़ो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 खोलो। मिस यूवी का बाउट ए वैकेंट जमीन 80 लाख का लाई थी 2005 में, खरीदी जंगल में, रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंस 10% हुआ है, तो कॉमन है कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें ऐड हो जाएगा 10%, मतलब जमीन कितने का पड़ा मैडम जी, 88 का पड़ा, 88 लाख का। शी कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ 1 करोड़ इन 78 में उसने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई, इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि जमीन खरीदने के बाद उस पर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किए तो इंप्रूवमेंट का भी मिलेगा। इंप्रूवमेंट बताया ना, 1/4 2001 के पहले का नहीं मिलता, उसके बाद का मिलता है, तो इसके बाद का है तो इंप्रूवमेंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, शी एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ सेड हाउस टू मिस्टर जोहर, नॉन रिलेटिव है, अप्रैल 2015 में, द सेल कंसिडरेशन इज फिक्स 7 करोड़। आंटी बहुत छाप रही है, मिस यू क्या रिसीव 20 लाख एडवांस मिला था, सामने वाला आया चाय भी पिया 20 लाख रुपए देखे गया। However, due to failure on the part of the jeweler, she negotiate could not be materialized. Hence, she has advance profit कर दिया, वो पैसा जब्त कर लिया आंटी ने।
और आपको रूल्स याद है, एडवांस मनी फॉरफिट होता है 1 अप्रैल 2014 के पहले तो कॉस्ट में से कम होता है, 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर किसी से एडवांस पैसा मिला रहेगा तो इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें टैक्सेबल। इसका नोट लिख देना कि ये जो 20 लाख रुपये मैडम ने डकार ले लिया ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसमें से कुछ नहीं किया जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल 2014 के बाद का मैटर है। आगे बढ़े, मिस यूविका अगेन एंटर है, फिर से और एक इनको कस्टमर मिला 1 अप्रैल 2023 को, अपना प्रीवियस से 23-24 में मिला फॉर द सेल ऑफ हाउस। हाँ, 8 करोड़ 10 लाख का बेची मैडम ने। शी रिसीव 80 लाख फ्रॉम RTGS, द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट इज 890। देखो मैडम को 80 लाख रुपये मिल गया उसी दिन, उसी दिन 80 लाख रुपये मिला, उस दिन की कीमत है 890। याद है मैंने बोला था, मैंने अभी बोला था लेकिन आप मजाक में लेते हैं, मैंने बोला था अगर पार्ट कंसिडरेशन रिसीव होगा तो HDB कौन सा लेना, डेट ऑफ द एग्रीमेंट वाला लेना है, कौन सा लेना, डेट ऑफ द एग्रीमेंट, तो यही लिया जाएगा HDB, यही लिया जाएगा 890। द सेल डीड वॉज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14th January 2024, हाउएवर द स्टैम्प स्टेट स्टैम्प वैल्यूशन अथॉरिटी हैज रिसीव ए वैल्यूशन, वैल्यूशन ऑफिसर बोलता है 9 करोड़। बेटा दो ऑफिसर का झगड़ा हो तो लोअर लिया जाएगा, वो बात का बात है, पहले HDB तो डिसाइड कर ले। मिस यूविका पेड 1% ब्रोकरेज, जो मिलता है डिडक्शन मिलता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो पहले एक काम कर लेते हैं, ध्यान देना ये अब लिख लिया ना, मैं पहले इसी में करके दिखाता हूँ। ये बताओ HDB कौन सा लेंगे, तो क्लियर हो गया HDB कौन सा लेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है, बाकी मैं इरेज कर दूँ, यस सर, तो ये करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली हम स्टेप नंबर 2 ही करेंगे, बाकी सब इरेज कर देता हूँ, आप समझ गए बच्चे होशियार है। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसा लेंगे, हटा देता हूँ सब, आपको तो आता है होशियार बच्चे सब याद रहने का, तो ध्यान देना पहले वर्किंग कर देता हूँ, वर्किंग नोट कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर HDB ओह बी ऐसा उल्टा हो जा रहा है, HDB इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, तो मुझे बताओ HDB कौन सा लेंगे, एग्रीमेंट वाला लेंगे, एग्रीमेंट वाला, एग्रीमेंट के दिन HDB था 890, बरोबर 890 देख लो, हाँ सर, और HDB निकालो, सेल आपने सेल कितने में किया मैडम जी, आपने सेल कितने में किया, 810 का बेचा, तो 810 का 110% निकालो, सुन रहे हो, 810 का 110% निकालो और कंपेयर करो, 810 का 110%, तो 891 होता है। मुझे बताओ क्या 890 बड़ा है 891 से, नहीं सर नहीं बड़ा है, तो मैडम आप बच गई, तो 890 बड़ा नहीं है ना, 890 बड़ा नहीं है सर, सॉरी, क्या ये बड़ा है, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, तो नीचे लिखेंगे सेंस HDB इज नॉट क्या सर, नॉट ग्रेटर देन 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, HDB इज नॉट ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, ठीक है 110% नहीं है सेल कंसिडरेशन का, देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, ये वाला नहीं और, तो मतलब ये वाला ट्रीट किया जाएगा, तो इस केस में मैंने क्या बताया था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, जो तुम्हारा सेल कंसिडरेशन था, जो तुम्हारा सेल कंसिडरेशन, ये वाला फुलफिल नहीं हुआ क्राइटेरिया, समझे बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, सेल कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन, व्हाट इज सेल कंसिडरेशन, मैडम ने कितने का बेचा था, 810 लाख का बेचा था, बोलो समझा, ये लेके हम स्टार्ट करेंगे 810 लाख, तो अभी ध्यान देना हेडिंग लिखेंगे कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मिसिस जो भी है फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं लिखते हम लोग, AY लिखते हैं, AY 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, अब कॉलम बना लो, लाखों में लिख रहे हैं हम लोग, लैक्स में लिख रहे हैं, रुपीस इन लैक्स, तो मुझे बताओ कैपिटल गेन कर रहे हो, कैपिटल गेन बताओ, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे, बता देना वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने किया, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1, तो कितना लेके सॉल्व करेंगे, 810 लाख लेके सॉल्व करेंगे, बरोबर समझा, 810 लाख लेके सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और वो HDB को
वैल्यूएशन ऑफिसर से कंपेयर कर तो लोअर ही लेना है, इसीलिए 890 लेके हम लोग स्टार्ट किया, समझे ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बताओ इन्होंने खर्चा किया था, ब्रोकरेज पे किया था, कितना परसेंट था ब्रोकरेज? 1% था, तो लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसका एक 1%, 810 लाख का 1% आएगा, 810 का 1% 8.1, तो जो आंसर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन कितना, 810 माइनस 8.1 आंसर 801.9। अब आते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैडम ये जमीन कितने में परचेस की थी? बहुत पहले मैडम ने जमीन परचेस किया था 80 लाख का 2005 में, तो 2005 में 80 लाख का था रजिस्ट्रेशन में खर्चा हुआ तो 88 लाख का हो गया, तो 2005 में, तो 2005-06 का इंडेक्स ढूंढो, नीचे दिया होगा, नीचे देखो 2005-06 का इंडेक्शन 117 है, दिखाई दे रहा है? यस सर, तो इसका बेस 117 लेंगे, और ये अभी करंट ईयर का इंडेक्सेशन मालूम है ना कितना है, 348 करंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्या 23-24 का प्रीवियस ईयर इंडेक्शन 384 इंटू करते हैं तो 88 इंटू 348 डिवाइड बाई 117 आंसर आता है 261.74 बरोबर 261.74। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने वो ज़मीन खरीदने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह बनाए, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट का भी मिलेगा, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैडम ने वो ज़मीन के ऊपर घर कब बनाया था, 1 करोड़ खर्चा किया था और उस साल का इंडेक्शन 129 था, 1 करोड़ मतलब 100 लिखेंगे 129 था और अभी का इंडेक्शन है 348, तो 100 इंटू 348 डिवाइड बाय 129 आंसर आता है 269.77। ये लेस करेंगे जो आंसर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, चलो माइनस करो 801.9 माइनस 261.74 माइनस 269.77 270.39 लैक्स। इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लो मैडम, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे हमने पढ़ा नहीं। आगे लिखता है, क्या लिखती है, इन्होंने सब्सिक्वेंटली युविका ने, मिसिस युविका ने दो घर खरीदा, एक दिल्ली में और चंडीगढ़ में, याद करो सेक्शन 54, 2 करोड़ से कम रहेगा ना तो 2 घर खरीद सकते हैं, 2 करोड़ के ऊपर है तो आप एक ही घर खरीद सकते हैं क्योंकि आप बहुत पैसे हैं आपके पास, तो क्या लिखेंगे, सिंस कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़ ओनली 1 हाउस एग्जम्पशन कैन बी टेकन, सुन रहे हो, 1 हाउस एग्जम्पशन कैन बी टेकन, तो जो महंगा रहेगा ना वो ही ले लेना, कोई भी जो महंगा रहेगा उसी का आपका बेनिफिट होगा, तो 54 के अंदर कौन सा घर का एग्जम्पशन ले सकते, 2 घर खरीदा दिल्ली और चंडीगढ़ में, दिल्ली वाला ले लेते हैं 130 का, तो 130 का एग्जम्पशन ले लेंगे सेक्शन 54 में, 1 घर का ही ले सकते हो क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर है तो 1 घर का, 2 करोड़ के नीचे रहता था ना तो आप 2 घर का एग्जम्पशन ले सकते हो। और एक उन्होंने पैसा कुछ क्या लिखा, एक्वायर है रेसिडेंशियल हाउस इन यूके, वो नहीं मिलेगा, 3 घर खरीदे, 2 घर का 1 घर का ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बॉन्ड खरीदा 50 लाख और 40 लाख का, बेटा जी उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, मैक्स टू मैक्स 50 लाख तक ही आप ले सकते हो, तो 54 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC बॉन्ड, बॉन्ड में अगर पैसा लगाओगे तो लिख दो मैक्स, दीवाना कर दे मैक्स 50 लाख ही मिलता है, कितना भी आप पैसा लगाओ इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो 50 लाख मिलेगा जो आंसर आएगा, इसी को बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 20%। तो आ जाओ, तो 270.39 माइनस 130 माइनस 50 आंसर आता है 90.39, सुन रहे हो 90.39, दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एज्यूम करता हूँ समझा, एक बार रिकॉल करूँ फास्ट, देखो क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, वो SDV कौन सा लेना, एग्रीमेंट और लेना, क्योंकि पार्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑनर बिफोर द एग्रीमेंट, तो SDV वो वाला लेना है, SDV ट्रांसफर ऑर्डर नहीं लेना है, फिर SDV और वैल्यूएशन ऑफिसर का वो विचर इज लोअर लेना है, तो इसलिए 890 को 810 का 110% निकालो तो 891 आता है, क्या 890 बड़ा 891 से, नहीं, तो ये वाला फुलफिल नहीं हुआ, मतलब ये वाला लेने का, तो नीचे लिखा है फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना लेके सॉल्व करेंगे 810, तो 810 लेके सॉल्व करने का, जो खर्चा हुआ लीगल खर्चा लेस कर दो, नेट कंसिडरेशन मैडम ने घर खरीदा था उस पर रजिस्ट्रेशन खर्चा क्या था 88 हुआ है, उस साल का इंडेक्शन 117 है, अभी का 384,
इतना हो गया, आज का भाव में उसकी कीमत इंप्रूवमेंट किया था वो भी मिलता है, और एग्जम्पशन दो मिलेगा 54 में। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर है तो एक ही घर का एग्जम्पशन ले सकते हो, 2 करोड़ के नीचे रहेगा तो 2 घर का ले सकते हो। इन्होंने 3 घर खरीदा, उनका प्रॉब्लम। और 54EC में बॉन्ड कितना ही पैसा लगाओ 50 लाख तक मिलता है मैक्स टू मैक्स। ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।